आज ही मिस्टर राज सिंह 111 यूट्यूब पर ओपन करिए और आज ही सब्सक्राइब कीजिए और कस्टम रोम से रिलेटेड सारी जानकारी इस चैनल पर पाइए और इस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मिस्टर राज सिंह 111। आज मैं आपको बहुत ही गजब ट्रिक बताने वाला हूँ गाइस। वो ट्रिक है ADB फंक्शन एंड फास्ट बूट। जैसे आप बिना अपने फ़ोन की जो फ़ोन में कीज़ होती हैं उनको, अगर आपको की पैटर्न नहीं पता है कि कैसे प्रेस करें तो हम अपने फास्ट बूट में जाएँ, कैसे प्रेस करें तो हम अपने रिकवरी में जाएँ, ये सब चीज़ें किसी किसी को नहीं पता होती गाइस। तो मैं आपको बिना की का यूज़ करे हुए मैं कमांड के थ्रू अपने फ़ोन को फास्ट बूट में डालूंगा, फ़ोन को रिकवरी में बूट कराऊंगा। अब इसी की मदद से आप रिकवरी भी फ्लैश कर सकते हो, स्टॉक रोम भी फ्लैश कर सकते हो आराम से। बहुत ही आसान तरीका है, इजी स्टेप। पहले मैं आपको करके दिखा दूंगा सब कुछ एंड देन लास्ट में फिर मैं आपको कैसे आपको सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। हाँ गाइज, एक चीज़ और कि जैसे मैंने एक फोल्डर अपना बना लिया, सभी सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो ऐप है एनी डेस्क, इसको आप यूज़ करिए इंस्टॉल करने के बाद, और आप मुझे अपना आईपीएस शेयर करिए जिससे मैं आपसे कनेक्ट हो सकूं और आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे सकूं आपके लैपटॉप या पीसी के थ्रू। जो आपको भी कुछ भी समझ नहीं आया मैं आपको बता दूंगा तुरंत ही, मैं खुद कर दूंगा जिससे मैं आपसे पीसी से रिमोटली कनेक्ट हो जाऊंगा तो मैं आपको खुद लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे पाऊंगा। ठीक है, इस ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इस टूल को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा हेयर, और एक्सट्रैक्ट देख सकते हो ही गया है। इसी टूल की वजह से आप अपने फास्ट बूट में जा सकते हो, अपने स्टॉक रिकवरी में जा सकते हो आप। और एक बात और गाइस कि इसे अगर आप जब भी अपना फ़ोन पहली बार कनेक्ट करोगे तो कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं, तो उनको स्किप बिल्कुल मत करिएगा, उनको इंस्टॉल होने दीजिएगा। वही मेन ड्राइवर वही आपके फ़ोन को ADB के थ्रू कनेक्ट करवाने में मदद करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हो मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया है, आप देख सकते हो गाइस ये पूरा सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। चलिए मैं अपना कमांड विंडो ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, तो हम लिखते हैं अभी ADB डिवाइसेस। अभी तो गाइस कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने अपना डिवाइस कनेक्ट नहीं किया है बिल्कुल भी, देख सकते हो कुछ भी नहीं आया। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना डिवाइस कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए मैं अपने डिवाइस की तरफ चलते हैं। चलिए मैं अपने मोबाइल की तरफ वापस चलते हैं गाइस। देख सकते हो गाइस हमारा जोलो में 5.5 रखा हुआ है MTK 6592। अगर आपके पास MTK 6592 हो, 82 हो, 72 हो, स्पीड ड्रम हो, चिपसेट या स्नैपड्रैगन हो, किसी भी मोबाइल को ये कनेक्ट कर ले गाइस ADB, आप आराम से अपने रिकवरी फास्ट बूट किसी भी मोड में जा सकते हो बहुत आसान तरीके से। बस आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को ओपन करना है और अपने फ़ोन की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद गाइज अबाउट फ़ोन में पहले आइए, पिन नंबर पे क्लिक कर दीजिए तो आपका डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा। अगर पहले से डेवलपर हो तो ये दिख बता देगा यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। देख सकते हो इसे मेरा खुला हुआ है, मेरा USB डिबगिंग ऑन है गाइज, देख सकते हो आप मेरा USB डिबगिंग ऑन है। यहाँ पे वेरीफाई ओवर USB भी ऑन है गाइज, बस यही ऑन कर दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको गाइज। देख सकते हो मैं रिवोक कर देता हूँ सब कुछ, जिससे आपको ये ना लगे कि मेरा पहले से सब कुछ इंस्टॉल्ड है। देख सकते हो रिवोक कर दिया मैंने और ऑफ करके ऑन कर दे रहा हूँ इसको मैं। देख सकते हो गाइस सब कुछ ऑन हो गया है। चलिए बैक चलते हैं और अपने फोन को कनेक्ट कर लेते हैं तुरंत ही। मेरी डेटा केबल गाइस ये रही कनेक्टेड, बस मुझे अपने फोन कनेक्ट करना है। देख सकते हो गाइस कुछ ये इमेज इन्फॉर्मेशन आई है, इस पर क्लिक करके अलाउ कर दे, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपकी डिवाइस को कनेक्ट कर देगा इंटरफेस के थ्रू जो फ़ोन में है। और गाइस एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि आपको किस में रखना है अपना फ़ोन को। आपको अपने फ़ोन को कनेक्ट रखना है गाइस कनेक्टेड एज मीडिया डिवाइस पे। गाइज आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा आपको अपने फ़ोन कनेक्ट रखना है गाइज कनेक्टेड एज मीडिया डिवाइस, या अगर आपका डिवाइस मार्शमैलो होगा तो ट्रांसफ़र वाला फाइल वाला जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करना है बस। USB डिबगिंग तो ऑन रहेगा ही गाइज। चलिए मैं अपने
लैपटॉप की तरफ वापस चलते हैं। देख सकते हो गाइज, अब मैं यहाँ लिखूंगा एडीबी डिवाइसेस। देख सकते हो गाइज, दिख रहा होगा आपको, स्पेस देने में भूल ही गया। देख सकते हो गाइज, दिख रहा होगा आपको एडीबी डिवाइसेस। देख सकते हो गाइज, लिख क्या लिस्ट ऑफ डिवाइस अटैच्ड। देख सकते हो, मैं दिखाऊंगा आपको एडीबी रिबूट रिकवरी। देख सकते हो गाइस, दिख रहा होगा आपको, जैसे मैं इंटर मारूंगा तुरंत ये मेरा फोन रिबूट हो जाएगा रिकवरी में। देख सकते हो आपको गाइस, कोई की कॉम्बिनेशन मैंने यूज नहीं किया, हमारा डिवाइस रिकवरी में रिबूट हो गया है, आप देख सकते हो गाइस। चलिए मैं फिर से आपको रिबूट कर देता हूँ अपने फोन में। देख सकते हो, मैं अपने डेस्कटॉप पर वापस आ गया हूँ। एडीबी रिबूट, देख सकते हो गाइज, आप देख सकते हो गाइज, हमारा फोन रिबूट हो गया है। इससे गाइज, आप अगर आप कोई कस्टम रोम भी इंस्टॉल कर फ्लैश कर रहे हो, या कस्टम रोम आपने इंस्टॉल करी है और वो बूट लूप में अटक जाती है, तो आप इससे लॉक निकाल के चेक कर सकते हो कि हमारी कौन सी फाइल एरर बता रही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़ एडीबी वाला, मैं आपको जल्दी बताऊंगा ये भी कैसे लॉग लेते हैं। ये आप खुद नेट पर सर्च करके देख सकते हो कैसे लॉग लेते हैं। 100% जेन्युइन वीडियो है गाइस, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को आगे पहुंचाइए और सपोर्ट करिए। देख सकते हो हमारा, अब मैं इसको फास्टबूट में करता हूँ। गाइस एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि ऐसे अगर आप फोन आपका ऑन है तो आपका फोन सिर्फ एडीबी में ही चलेगा, और आपका फोन अगर फास्टबूट में है तो आप सिर्फ फास्टबूट के कमांड डालिएगा, एडीबी कमांड वर्क नहीं करेंगे उसमें। देख सकते हो, मैं फिर से करता हूँ एडीबी रिबूट बूट लोडर, एडीबी रिबूट बूट लोडर, इंटर कर दूंगा तुरंत ही। देख सकते हो आप, देख सकते हो गाइस, हमारा फास्टबूट में चला गया फोन। अब आपको एडीबी का फंक्शन नहीं लेना, आपको फास्टबूट के सारे फंक्शन लेने होंगे गाइस। चलिए अब लेते हैं फास्ट बूट डिवाइसेस और इंटर कर देते हैं। देख सकते हो गाइस, फास्टबूट डिवाइसेस आपको दिख रहा होगा, अब दिखाता हूं मैं आपको फास्ट बूट रिबूट। देख सकते हो हमारा गाइस रिबूट पे, देख सकते हो आप यहाँ पे दिखा भी चुका है और हमारा रिबूट हो रहा है। देख सकते हो गाइस आप, इसमें कोई भी नुकसान नहीं, कोई भी हार्मफुल चीज नहीं है गाइस, बहुत ही अच्छी चीज है। इससे आप लॉग ले सकते हो, लॉग से आप एरर फाइंड आउट कर सकते हो अपना। देख सकते हो हमारा फोन रिबूट हो गया। चलिए हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं वापस। हम लोग अपने डेस्कटॉप पे वापस आ गए गाइस, तो देख सकते हो आप। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आपको सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं गाइस। सबसे पहले आप क्या करिएगा, पहले एडीबी का यहाँ सेटअप चला दीजिएगा। यस, वाई इंटर, वाई इंटर, वाई इंटर, ये सब कुछ अपने आप ले लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देख सकते हो मैंने पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए जल्दी इंस्टॉल हो गया। आपको थोड़ा टाइम लगाएगा, 2-3 मिनट या 15 सेकंड से 20 सेकंड बस। एनी डेस्क ऐप आप मेरे पास देख ही सकते हो, जैसे मैंने इसको खोलूँगा तो ऐसी एक रिमोट आईडी आ जाएगी, जैसे मेरी ये रही। आप इसको ले सकते हो, कॉपी कर सकते हो, आपको दिख रहा होगा। तो इसी का यूज़ करके देख सकते हो मैंने दो लोग से कनेक्ट किया है। अगर आप भी ऐसा करते हो तो मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ गाइस। तीसरा यूनिवर्सल एडीबी ड्राइवर आप इंस्टॉल करिएगा, मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है। एक्सट्रैक्ट करिए तुरंत ही या डायरेक्टली चला दीजिए। देख सकते हो आप मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है, तो मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और चौथा ड्राइवर गाइस यूएसबी ड्राइवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये एक्सट्रैक्ट हो गया गाइस। तो आप क्या करिएगा, आप अपने कंप्यूटर पर आइए और क्लिक करिए प्रॉपर्टीज़ पे। जैसे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे यहाँ पे दिखेगा डिवाइस मैनेजर, उस पर क्लिक कर दीजिए गाइस। क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा एंड्रॉयड डिवाइसेस,
देख सकते हो यहाँ पे, ये कब आएगा, जब अपना फ़ोन आप कनेक्ट कर रहे होगे, इसको आप निकाल दोगे तो निकल जाएगा, ये हट जाएगा। जैसे अपना फ़ोन कनेक्ट करोगे तो दिखा देगा कि यहाँ पे एंड्रॉयड डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो आप क्या करो, इस पर क्लिक करिए आप, और यहाँ पर राइट क्लिक करिए और करिए अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर, फिर क्लिक करिए ब्राउज माई कंप्यूटर, लेट मी पिकअप। देख सकते हो मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ करके, ब्राउज कर लीजिए। जैसे मेरा है ADB में, इसमें देख सकते हो ये वाली फाइल पे क्लिक करोगे और ओके कर दोगे। देख सकते हो सब डिजिटली साइंड है, डिजिटली साइंड सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा तभी आपका लेगा, वरना नहीं लेगा। नेक्स्ट कर दीजिए और यस कर दीजिए गाइस। देख सकते हो ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है, देख सकते हो मेरा डिवाइस इंस्टॉल हो चुका है। ये कब काम करेगा अब गाइस, जब अपना डिवाइस को आप रिबूट, अपने PC को रिबूट कर लोगे तब ये वर्किंग में आएगा। तो देख सकते हो गाइस। और चौथा ये है, आप इससे आप क्या कर सकते हो गाइस कि जैसे मेरे डेस्कटॉप पे है ये, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही करिएगा तभी ये वर्क करेगा। इसे अगर आपकी गलती से कोई भी और अलग ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। जैसे मेरा ये वाला ड्राइवर है तो हम इसको हटाना है, डायरेक्ट यहाँ से डिलीट कर देंगे तो मेरा ड्राइवर वापस ले लेगा। जब अगर कभी भी मेरा कोई भी आसूस का फ़ोन फिर से कनेक्ट होगा तो वापस वो ड्राइवर इंस्टॉल करने लगेगा। ये चीज़ बढ़िया है इसमें गाइस, यही चीज़ इसमें, इससे अगर आपका गलत ड्राइवर इंस्टॉल हो जाए तो इससे आप रिमूव कर सकते हो। तो गाइस आप सब जान ही गए हो कि कैसे करते हैं, कैसे इंस्टॉल करें ड्राइवर, और कैसे हम लोग बिना की कॉम्बिनेशन यूज़ किए कैसे रिकवरी में रिबूट हो, स्टॉक में जाएँ, स्टॉक रिकवरी में जाएँ, फास्टबूट में जाएँ। तो सब आप जान ही चुके हो। अगर आप कोई भी और प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करो, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिस्टर राज सिंह 111 Support us!